मैं इसमें एम्स के सामने हूँ और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश की स्थिति बता रहा हूँ कि जो लोग अस्पतालों में इलाज करवाने आते हैं उनको किस तरह से, बहुत सारे लोग हैं जो खाना पहुँचाते हैं, खाना मुहैया कराते हैं, उनसे बात करूँगा। पहले देश देख लीजिए कि ये देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स है और इस देश में राम मंदिर मस्जिद के आंदोलन चलते रहते हैं और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा किया जाता है। आम लोग की हालत क्या है कि वो इलाज भी करवाते हैं और लाइन लग के खाना भी खाते हैं। पूरे दुनिया में आप कहीं भी जाइएगा सरकारी अस्पताल में बढ़िया खाना बढ़िया हॉस्पिटल बनाया जाता है। ये स्थिति अपने देश की और ये हालत है। एक और लाइन दिखा रहा हूँ मैं, संयोग से मैं एम्स आया था एक बच्चे के इलाज की वजह से और मैंने सोचा कि ये तस्वीरें आप तक पहुँचाऊँ, आपको दिखाऊँ, तो ये दिखा रहा हूँ आपको। पहले मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, पहले आप तस्वीरें देख लीजिए फिर लोग से बात करेंगे कि क्या स्थिति है। और ये देखिए खाना है, कढ़ी चावल है, कढ़ी चावल है जो लोग, जिसके सारे लोग सब के सब मरीज होंगे जो अपने अटेंडेंट को लेके आए होंगे, इलाज करवाने आए हैं, लेकिन कढ़ी लोग जो हैं वो खाना खिलाते हैं। पहले तो खाना देने वालों से बात कर लूँ कि वो कौन लोग हैं और कहाँ से आए। तो भैया आप लोग बराबर खाना खिलाते हैं इन लोगों को? बराबर खाना खिलाते हैं? बराबर खिलाते हैं, फ्री में? कहाँ से आते हैं आप लोग? कौन लोग खाना देते हैं? आओ ना इधर थोड़ा सा। एक देते हैं प्रेस वाले। कौन देते हैं? इंश्योरेंस वाले। इंश्योरेंस वाले देते हैं कढ़ी चावल। कितने लोगों को रोज खाना खिलाते हैं आप लोग? 300-400 आदमी आता है। और रोज आते हैं आप? रोज आते हैं। और ये सब मरीज के अटेंडेंट होते हैं? हाँ। तो ये देखिए बिहार से हिंदी पट्टी से ज्यादा लोग आते हैं। और कहाँ से हैं भैया आप? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से इलाज करवाने आए हैं? नहीं, नहीं नहीं, तो मतलब एम्स में किसी का इलाज करवाने आए होंगे ना, तो खाना खाने आते हैं? क्या करते हैं आप? ऐसे अभी खाली है। अच्छा, अभी बेरोजगार है? इलाज। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? मैं। कहाँ से आए हैं? बिहार से, औरंगाबाद जिला। तो इलाज करवाने आए किसी का? कौन भर्ती है? मेरी वाइफ। मेरी वाइफ। वाइफ भर्ती है। क्या नाम है पूरा? उमेश कुमार सिंह। उमेश कुमार, अजीब हालत है, बताइए आपका क्या नाम है भैया? शशिकांत। कहाँ से आए हैं शशिकांत? बिहार, औरंगाबाद जिला से। आप भी इलाज करवाने आए हुए हैं यहाँ किसी का? मैं नहीं, मैं अटेंडेंट हूँ। हाँ, मैं। आप मतलब किसका इलाज करवाने आए? हमारे बहनोई। ये देखिए ये स्थिति है। और देखिए आप किसका इलाज करवा रहे हैं? भाई का इलाज करना है सर। कहाँ से आए हैं? पूर्णिया, बिहार से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। आप कहाँ से आए हैं? इटावा से। इटावा से। आप कहाँ से माता जी? हम धोलाने से, गाजियाबाद के पास। अच्छा अच्छा, इलाज करवाने आए। आप कहाँ से हैं भैया? भागलपुर से। भागलपुर से हैं। आप कहाँ से हैं? मैं ये नहीं बात पूछूंगा इन लोगों से, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी माइनॉरिटी, आप सब समझ जाइए, वही लोग हैं, बहुजन लोग हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, ज्यादातर देशभक्त लोग इलाज करवाने। आप कहाँ से आए चाचा जी? झारखंड पलामू से। कितना दिन से दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं? दिल्ली में नहीं, बस आज आए हैं, 4 महीना पहले होकर गए थे सर। अच्छा, फिर आज दिखाने आए हैं? जी सर। ये है इस देश की हालत। दिल्ली में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में अस्पताल क्यों बना, दिल्ली में भी सिर्फ एक एम्स है, सरकारी अस्पताल नहीं बन रहे, हॉस्पिटल नहीं बन रहे, लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। लंबा देश है उनका, उनको अधिकार है दिल्ली आकर इलाज कराने का। अगर अच्छा होता कि हर राज्य में, हर जिले में अस्पताल बनता, लेकिन एम्स में भी इतना प्रेशर है, इतना लोड है, लंबा लंबा डेट मिलता है ना? जी सर, टाइम मिलता है। कहाँ से आए? बिहार से आए। आप कहाँ से आए दोस्त? बिहार से। आप कहाँ से आए बहन? हम झारखंड से। झारखंड से। तो इतना लंबा लंबा डेट मिलता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और लोग आते हैं और इसी के सहारे वो इलाज करवाते हैं। और ये है इस देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हकीकत। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सारी सरकार इस देश में आती है, ऐसी चलती है। कांग्रेस को तो, कांग्रेस ने इक्का दुक्का अस्पताल बनवाए ही, लेकिन इधर तो हाल फिलहाल में तो और अस्पताल बनना बंद हो गया है। तो ये सब एस सी एस टी ओ बी सी और माइनॉरिटी और बहुजन समाज के लोग हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल में जो है वही लोग लाइन लगते हैं। और ये देखिए कहाँ से आए चाचा जी? हम बिहार से। कब, कितने दिन से एम्स में इलाज करवा रहे हैं अपने? 15 महीना। 15 महीने से। बहुत भीड़ होती है, लंबा लंबा डेट मिलता है ना? और अस्पताल बनने चाहिए थे इस देश में। हाँ, ऐसे ही अस्पताल और होने चाहिए, और होना चाहिए था, तो सहूलियत होती। सहूलियत हो जाए। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से।
कोई भी सरकार हो उसको ऐसे अस्पताल बनाने चाहिए थे। जी जी। तो जब आप जब वोट का समय आता है तो हॉस्पिटल इलाज सब मुद्दा होना चाहिए, खाली मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये सब लोग कहाँ से हैं भैया? मंगलपुरी। क्या अच्छा इलाज करवाने आए? अच्छा तो आप तो दिल्ली वाले हैं, आप तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। कब कब कितना दिन से यहाँ इलाज करवा रहे हैं? 6 महीना। यहाँ इतनी स्मेल है, देखिए ये डस्टबिन है बड़े बड़े, इतनी स्मेल है कि आप 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकते हैं। लेकिन मजबूरी है लोगों की, लोग लाइन लगा के खाना लेने के लिए मजबूर हैं। कितना दिन से इलाज करवा रहे हैं? 5-6 महीना से। आप कहाँ से आए हैं? भागलपुर से, बिहार। भागलपुर से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? बरेली यूपी। देखिए कुछ लोग अपना चेहरा, आप कितने दिन से इलाज करवा रहे हैं? 3 महीने। 3 महीने से आए। ये है देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हकीकत। मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि इलाज आपको बताऊं। कहाँ से आई हैं बहन जी आप? नोएडा से आई हैं। तो सब SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोग, और जानबूझकर इस देश को गरीबी के गर्त में सरकारी अस्पताल स्कूल हॉस्पिटल में ही स्थिति है। और आप कल्पना कीजिए कि क्या हालत है इस देश की, और कौन लोग इस देश को चला रहे हैं, और बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल किनके लिए बने हैं, और आम लोग किन। आप कहाँ से हैं भैया? कितने दिन से आ रहे हैं इलाज करवाने? 3 महीने। कौन है आपका एडमिट? किरण पेशेंट। तो आपके यहाँ भी मतलब कोई बढ़िया अस्पताल एम जैसा नहीं है ना? है सरकारी तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है। क्या लग रहा है ऐसा अस्पताल और बनना चाहिए? मैं तो उड़ीसा आया, किसे जानता नहीं ठीक से। नहीं नहीं, तो अस्पताल अगर आपके यहाँ होता तो आना नहीं पड़ता ना? हाँ। तो ये देखिए ये तमाम लोग हैं जो इलाज करवाने के लिए हैं। चलिए शुक्रिया उन लोगों का जो कम से कम खाना बांट जाते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन बहुत गंदगी है, इतनी गंदगी है, इतना स्मेल है, इतनी अनहाइजीन है कि आदमी और बीमार पड़ जाएगा। तो मेरी कोशिश ये थी दिखाने की कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए बहुत कम जगह है। हैं कहाँ से, कहाँ घर है बाबू? मेरे सिटी है। मेरठ। मेरठ। तो आज आए हो पहली बार एम्स? 2 साल हो गए। किसका इलाज करवा रहे हैं? बहन का। क्या हुआ है उनको? कैंसर। अब ठीक हो रही हैं? तो SC ST OBC माइनॉरिटी को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है, और ये है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हकीकत। आप जूझते रहिए, और कुछ लोग जो हैं वो देश की क्या स्थिति है, एक एम्स नहीं बन पाया दूसरा कोई इस तरह का, सरकारी अस्पताल को प्राइवेट अस्पताल लोग रोज बन रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं। आप लोग बराबर खाना देने आते हैं, कहाँ से आते हैं? राजपत्नगर। तो कौन लोग मदद करते हैं इन लोगों की? मैं नेशनल दस्तक से। नेशनल दस्तक से। नेशनल दस्तक। तो कौन लोग मदद करते हैं ये खाने के लिए? काम कर रहे हैं, क्या बताएं आपको? आप लोग मिलजुल के, मिलजुल के कर रहे हैं। फुर्सत की बातें हैं ये। नहीं भाई जी, मैं खुश, अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो है जो खाना खिला रहा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन सोचिए कि सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। सरकार कुछ कर रही है भाई। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली जो सरकार है वो बढ़िया अस्पताल नहीं बन पा रहा है, और जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो सब के सब जो हैं वो लाइन में लगने, एम्स में इतनी लंबी लंबी डेटें मिलती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और लोग खाना भी लाइन लगकर खा रहे हैं। तो ये है आपके मजबूत राष्ट्र, मजबूत भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हकीकत। सरकार आती जाती रहती है SC ST OBC माइनॉरिटी के हिस्से में, गरीबी लाचारी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, एम्स, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।